9 वर्ष के नाबालिग बच्चे के साथ बंगाल निवासी ने किया दुष्कर्म, न्यायालय ने 10 साल के लिए भेजा जेल, 8,000 के जुर्माने से भी किया दंडित। 26/10/2016 को गंज थाने में एक परिवादी पेश हुआ था, जिसमें एक पिता ने अपने बेटे के साथ हुए दुष्कर्म को लेकर मामला दर्ज करवाया था। पीड़ित नाबालिग बच्चे के पिता ने बताया कि उसका बेटा उसके लिए खाना लेने के लिए गया था, तब एक बंगाल निवासी आलम ने उसे उठाया और उसे ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। नाबालिग बच्चे ने बताया कि उसके साथ आलम ने कई बार दुष्कर्म किया। इस मामले में आज न्यायालय ने आलम को 10 साल के लिए कारावास की सजा सुनाई, साथ ही 8,000 रुपए के जुर्माने से भी दंडित किया। 23/10/2016 को पीड़ित के पिता ने गंज थाने में एक तहरीर रिपोर्ट इस बात की थी कि मेरा 9 वर्ष का बालक जो कि मेरे लिए खाना लेकर आ रहा था मेरे घर से, जो गांधी चौक पुराना बकरा मंडी के पास रहने वाला था, तो वो उसको एक बंगाली व्यक्ति ने उसको पकड़ लिया और उसको ले आने लग गया। तो उसने चिल्लाया, चिल्लाने की वजह से क्या हुआ कि काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए और उसके लड़के के जो मामा था वो भी वहाँ आ गया। फिर मामा ने इसके परिवादी को फ़ोन किया, परिवादी वहाँ पर आया। जब परिवादी ने पकड़ा, उसको देखा करा, उससे पूछा कि भाई क्या हुआ, तो बच्चे ने बताया कि शायद 3-4 बार पहले भी लेके गया हुआ था ये, और इसको ले जाने के बाद इसके साथ इसने अनैतिक कार्य किया, अप्राकृतिक रूप से इसने काम किया। बच्चे ने पूरी बात बताई, उसके बाद उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखाई गई। 23/10/2016 को ही मुझे गिरफ्तार किया गया, जिसके अंदर चालान पेश होने के बाद प्रोसिक्यूशन की तरफ से उसके 10 गवाह और 18 दस्तावेज पेश किए गए। आज माननीय न्यायालय पॉक्सो कोर्ट के जज साहब श्रीमान राजेश चंद जी गुप्ता द्वारा इसके अंदर जजमेंट देते हुए मुलजिम आलम उर्फ जसीमुद्दीन को 10 साल कारावास और कुल 8,000 रुपये जुर्माने की वजह से दंडित किया गया। आरोपी बंगाली आदमी है, ये बंगाल से हट करने वाला था जो यहाँ पर काम करता था। ये थानागंज।